0000000. ये कोई एक सिंपल नंबर नहीं है, ये है द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 20 लाख गैलेक्सीज हैं, जिनमें से एक है हमारी होम गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी गैलेक्सी में हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स भी कैप्चर किए, जैसे कि कई सारे क्लस्टर्स, प्लैनेट्स या फिर अदर डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर हम लोगों को मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाके कुछ कैप्चर करना है, वैसे तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसके लिए अगर हम लोग लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करेंगे तो मिल्की वे इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि हम लोग कभी भी इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग किसी ना किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके मिल्की वे की बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। अब उन इक्विपमेंट्स में काफ़ी सारे स्कोप्स आ जाएंगे, कुछ मॉडिफाइड कैमरा भी आ जाएंगे, पर अभी हमारे पास कोई भी मॉडिफाइड कैमरा या फिर बड़े स्कोप्स नहीं है। तो हम लोग आज एक ऐसे टारगेट को कैप्चर करेंगे जो कि हम लोगों को नेकेड आइज से भी विजिबल होता है। मैं बात कर रहा हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी की। इस गैलेक्सी को हमारी नेबर गैलेक्सी भी कहा जाता है क्योंकि ये मिल्की वे गैलेक्सी के काफ़ी ज़्यादा पास है और हमारी गैलेक्सी से इसका डिस्टेंस फिर भी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। पर ये डिस्टेंस आप ज़्यादा दूर मत समझिएगा क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक बहुत ही मैसिव गैलेक्सी है जो कि अपने रास्ते में आने वाली सारी गैलेक्सीज को इनगल्फ करके बड़ी हो गई है। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट है हमारी होम गैलेक्सी, और करीब 5 बिलियन साल बाद ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से कोलाइड हो जाएगी और एक नई गैलेक्सी फॉर्म होगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस टाइम तक न मैं जिंदा बचने वाला हूँ और ना ही आप सब। वेल, जोक्स अपार्ट, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की हिस्ट्री के बारे में। आई नो कि आप लोगों को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं होगी, लेकिन गेजर की हिस्ट्री क्लासेस में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये बात है 96 एडी की। एक पर्शियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था अब्दुल रहमान अल सूफी, उन्होंने जब एंड्रोमेडा को पहली बार देखा तो उन्हें ये ऑब्जेक्ट एक स्मॉल क्लाउड टाइप ऑब्जेक्ट लगा। तो उन्होंने ये बात अपनी एक बुक में लिख दी जिसका नाम है बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स। अब इसके बाद 1764 में चार्ल्स मेसियर ने अपने मेसियर कैटलॉग में इस ऑब्जेक्ट को मेसियर 31 नाम दिया, और 1785 में एक एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने इसे अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नेब्यूला का नाम दिया और इसे करीब 18,000 लाइट ईयर्स दूर बताया, और उनके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे के अंदर ही था। उसके बाद 1850 में विलियम पार्सन्स नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने ये बताया कि ये ऑब्जेक्ट एक छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्पाइरल शेप्ड ऑब्जेक्ट है। फिर 1917 में हर्बेस कर्टिस नाम के एक साइंटिस्ट ने एंड्रोमेडा में ही एक तारे का जन्म यानी कि नोवा को देखा, और नोवा काफ़ी ब्राइट लाइट एमिट करता है, और इसी नोवा को कैलकुलेट करके उन्होंने एंड्रोमेडा की डिस्टेंस 5 लाख लाइट ईयर्स बताई। अब ये बात तो कन्फर्म हो गई थी कि ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी में तो नहीं है, पर अभी भी ये कन्फर्म नहीं हुआ था कि ये कोई स्टार क्लस्टर है, कोई नेब्यूला है या फिर कोई गैलेक्सी। अब 1925 में एडविन हबल ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बात कंफर्म कर दी कि ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ी सी गैलेक्सी है, और एडविन हबल के नाम पे ही हबल स्पेस टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया जिसने हमारे यूनिवर्स को देखने के नज़रिए को बिल्कुल बदल दिया, और इसने ये बताया कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। वेल, आई थिंक आज की वीडियो में इतना नॉलेज काफ़ी है। आने वाले टाइम में मैं एंड्रोमेडा को फिर से कैप्चर करूंगा, वो भी अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ, तब हम लोग इस गैलेक्सी के बारे में और डीपली जानेंगे। सो दोस्तों, फाइनली रात हो चुकी है, लेकिन आज है 18 फरवरी, और आज के दिन जो हमारा मून है वो काफी ब्राइट है, आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम ब्राइट है, और जो हमारा नाइट स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है। तो मे बी अगर हम लोग ट्राई करें आज के दिन तो हो सकता है हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर कर पाएँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को कैसा नाइट स्काई देखने को मिल रहा है, यानी कि कितने स्टार्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो पहले आप देख लीजिए। सो अभी मैंने अपने फ़ोन को ओरायन कॉन्स्टिलेशन की तरफ कर रखा है, और आप लोग देख पा रहे होंगे फ़ोन में आपको ओरायन कॉन्स्टिलेशन दिख रहा है जो कि बिल्कुल विजिबल है क्लियरली, वो भी इतनी मून लाइट में, जबकि मून एकदम ओरायन कॉन्स्टिलेशन के पास है। आज मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मून कहाँ पे है। ये देखिए, मून एकदम ओरायन कॉन्स्टिलेशन के पास में है, फिर भी आसपास वाले स्टार्स सारे अच्छे से दिख रहे हैं, और ओरायन कॉन्स्टिलेशन तो बिल्कुल मस्त दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी दिख जानी चाहिए,
वेल एक बार हम लोग इधर साइड भी कर लेते हैं, कैमरा को देख लेते हैं अगर इस साइड भी कुछ दिख रहा हो तो। और अगर मैं एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन की तरफ पॉइंट करूं तो एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन कुछ यहाँ पे है कैशियोपिया के पास, और वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये रहा हमारा एंड्रोमेडा कॉन्स्टिलेशन जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये देखिए। तो हम लोग आज ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक बार कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो हमारा ही फायदा है। तो आज ही हम लोग ट्राई करने वाले हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। तो आज मैं कैलिब्रेशन फ्रेम्स लेने वाला हूं, तो उसके लिए मैंने डीप स्काई कैमरा बीटा ओपन कर लिया है और टाइप में लाइट्स को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले मुझे लाइट फ्रेम्स लेने हैं। उसके बाद मैं एक्सपोजर टाइम को 30 सेकंड रख दूंगा जो कि शटर स्पीड है, और ISO 100 रखूंगा क्योंकि मूनलाइट है तो ज़्यादा ISO ठीक नहीं रहेगा। फिर बारी आती है फ्रेम्स की, तो उसमें मुझे जितने फ्रेम्स लेने हैं मुझे उतना टाइप करना पड़ेगा, तो मैं 20 टाइप कर दूंगा क्योंकि मुझे 20 फ्रेम्स लेने हैं। और इंटरवल टाइम को मैंने 35 सेकंड रखा है जिसमें कि 20 फ्रेम्स 5-5 सेकंड के गैप पे कैप्चर होते रहे। अब बस हम लोग को शटर बटन क्लिक करना है और फ्रेम्स के क्लिक होने तक का वेट करना है। अब लाइट फ्रेम्स के बाद बारी है डार्क फ्रेम्स की, तो उसके लिए मैंने एक वाइट कपड़े को डबल करके कैमरा सेंसर पे रख दिया है ताकि उसमें ज़रा भी लाइट ना जाए और वो बिल्कुल ब्लैक इमेज क्लिक करे। इसके बाद यहाँ पे टाइप में मुझे डार्क सिलेक्ट करना होगा और बाकी सेटिंग्स सेम रखनी होगी, तभी हम लोग डार्क फ्रेम्स ले पाएंगे। अगर हम लोग शटर स्पीड या ISO को छेड़ देते हैं तो हम लोग डार्क फ्रेम्स को कैप्चर तो कर लेंगे पर वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वेल इतना करने के बाद मैं फ्रेम्स में 5 सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे 5 डार्क्स लेने हैं। अब फाइनली बारी आती है फ्लैट फ्रेम्स की, तो उसके लिए मैं कपड़े को प्रॉपरली ओपन कर दूंगा और अपने कैमरा सेंसर को पतली शीट से कवर कर दूंगा ताकि उस पर अगर लाइट दिखाऊं तो वो कपड़े को पास करके सेंसर पे जा सके। बट कपड़ा रखते वक्त मुझे ध्यान देना होगा कि सेंसर पे कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे, तभी मैं फ्लैट फ्रेम्स को प्रॉपरली कैप्चर कर पाऊंगा। वेल इतना करने के बाद मैं टाइप में फ्लैट सिलेक्ट करूंगा और एक्सपोजर टाइम को 1 सेकंड रखूंगा, विच इज इनफ फॉर कैप्चरिंग फ्लैट फ्रेम्स। ISO को मैं 100 भी रख सकता हूँ या उससे ज्यादा भी, वो मेरी चॉइस है, बस फोकस को नहीं छेड़ना है क्योंकि फोकस हिल गया तो फ्लैट फ्रेम्स काम नहीं करेंगे। उसके बाद मैं 5 फ्रेम्स सिलेक्ट करूंगा और फाइनल स्टेप में मुझे सेंसर पे कपड़े के ऊपर से लाइट दिखानी होगी जिससे कि जो इमेज कैप्चर होगी वो प्योर वाइट होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कैलिब्रेशन फ्रेम्स का क्या सीन है और मतलब ये कैसे काम करते हैं आपकी डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी में। तो आज मैंने कैलिब्रेशन फ्रेम्स भी ले लिए हैं और इनको ले चल के हम लोग स्टैक करने वाले हैं और देखते हैं कि स्टैक करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने स्टैकिंग के लिए सिक्वेटर ओपन किया और सारे फ्रेम्स उसमें इम्पोर्ट कर दिए, और जो भी सेटिंग्स स्टैकिंग के लिए ज़रूरी थी मैंने वो सभी ऑन कर दी। फिर उसके बाद मुझे फाइनल रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना था, बट मुझे नहीं पता था कि वेट करने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। इमेज तो हमारे सामने आ गई है बट इसमें हमारी गैलेक्सी मूनलाइट के वजह से काफी फेंट दिख रही है। सो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई, मूनलाइट की वजह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफी ज्यादा फेंट दिख रही थी, और यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के फोटो में कैप्चर हो गए थे यानी कि जो हमारे फ्रेम्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए थे नीचे के, उनके वजह से थोड़ी इमेज शेकी शेकी सी लग रही थी। वो एरर था, स्टैकिंग एरर था, और उसको दूर करने के लिए हम लोगों को वापस से फ्रेम्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी मूनलाइट है इस वजह से हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी को क्लियरली तो नहीं देख पाएंगे, तो इस वजह से मैं अभी ट्राई भी नहीं करूँगा। एक बार मूनलाइट ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी को फिर से कैप्चर करने के लिए। So, आज है 28 फरवरी और हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम लोग किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई लाइट पोल्यूशन ना हो और हमारी फ्रेम में कोई भी अर्थ का ऑब्जेक्ट ना आए।
सो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ चुके हैं नो लाइट पोल्यूशन वाले एरिया में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा फ़ोन ये रखा हुआ है और इधर कहीं भी कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है। और इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा विलेज एरिया जहाँ पे एकदम लाइट पोल्यूशन बढ़ गई है। वो देखिए, पूरी लाइट्स लग गई हैं ढेर सारी एक साथ में ही, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम लोग आए हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर बिल्कुल लाइट्स नहीं है। और हमारे साथ आए हैं हमारे राजू भाई, जो अभी जल्दी ही अपना न्यू चैनल शुरू करने वाले हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो हेलो बोल दो। हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। तो एक सब्सक्राइबर चाहिए बस, एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे। तो जैसे ही इनका चैनल आता है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल हम लोग फोटोग्राफी शुरू करते हैं, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत नीचे जा चुकी है पहले ही, मतलब इतनी तो आई चुकी होगी, तो यहाँ पे आ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आज हम लोग कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं हमारा कैमरा बिल्कुल सेटअप है, लाइट फ्रेम्स हम लोगों ने सेटअप कर रखा है, इसी से हम लोग क्लिक करने वाले हैं। वेल, हम लोग आज डार्क फ्रेम्स, फ्लैट फ्रेम्स और बायस फ्रेम्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी इस तरफ आ चुकी है, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आ चुकी है, और ज़्यादा नीचे जाएगी तो लाइट पोल्यूशन बढ़ जाएगी। और हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका है हम लोग को, और इसके बाद हम लोग के पास कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो फटाफट से लाइट फ्रेम्स को ही क्लिक करते हैं, उसी को स्टैक करते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दिखाऊंगा। तो हम लोगों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर कर लिया है, बट वेस्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से जो हमारी इमेज आई है वो थोड़ी सी नॉइजी आई है, बहुत ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, कह सकते हैं अगर स्टैक करेंगे तो थोड़ी बहुत नॉइज आ सकती है, बट इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो फिर भी ठीक ठाक आएगा। तो अब बस हम लोग आज लाइट फ्रेम्स को स्टैक करने वाले हैं, उसी से रिज़ल्ट निकालने वाले हैं, सही वाला रिज़ल्ट। और इस बार हम लोगों ने कैलिब्रेशन फ्रेम्स नहीं लिए हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको ले करके उससे स्टैक करके आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे नॉइस को रिड्यूस करता है। वेल, अब हम लोग चलते हैं अपने घर पे और स्टैक करना शुरू करते हैं हमारे कैप्चर किए हुए फोटोज को। तो मैंने सीक्वेटर को ओपन किया और मैंने जो 17 लाइट फ्रेम्स कैप्चर किए थे उन्हें इम्पोर्ट कर लिया, और सीक्वेटर ने खुद से ही बेस इमेज को चूज कर लिया, तो मैं उससे छेड़छाड़ नहीं करूंगा। उसके बाद बारी आती है आउटपुट की, तो मैं आउटपुट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त मैं आपको रिजल्ट दिखाने के लिए JPG कर रहा हूँ, पर अगर आप लोग स्टैक करते हैं तो टिफ में आउटपुट रख सकते हैं, क्योंकि वो साइज को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिन्हें इमेज को स्टैक करने से पहले ऑन करना होगा। एक बार आप लोग भी इन सेटिंग्स को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोग ऐसी इमेज क्लिक करते हैं और स्टैक करते हैं तो आपको भी ये सेम सेटिंग्स करनी होंगी। तो अब मैं इसे स्टैक कर लेता हूँ। सो हमारे फ्रेम्स फाइनली स्टैक हो चुके हैं और अब रिजल्ट देखने की बारी है। तो ये देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी एक डिटेल्ड इमेज जो सिर्फ 17 फ्रेम्स को स्टैक करके निकाली गई है। इसमें नॉइस तो है बट स्टार्स काफी अच्छे से दिख रहे हैं, और जो हमारा मेन टारगेट है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। बस नीचे थोड़ी लाइट पोल्यूशन दिख रही है, तो मैं उसे क्रॉप करके रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप लोग फाइनल इमेज देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिरफॉक्स स्टार के पास जितने स्टार्स हैं वो सब दिख रहे हैं, और ये रही हमारी प्यारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मतलब ये हमारी गैलेक्सी तो नहीं है, बट ये नेबर गैलेक्सी है जो कि काफ़ी हद तक मैंने डिटेल में कैप्चर की है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं कैप्चर कर पाया, क्योंकि गैलेक्सी होराइजन के काफ़ी पास जा चुकी थी, बट इसके पहले मैंने ट्रायल बेसिस पे एक और इमेज क्लिक की थी और उसमें गैलेक्सी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। तो मैं अब आपको सारे रिजल्ट्स स्क्रीन पे लगा के दिखा देता हूँ।